अस्सलाम वालेकुम, कैसे हम सब ठीक ठाक हैं। तो सेकंड पॉडकास्ट में आप सबका स्वागत है। इंडिया वाला शो बन रहा है, ठीक है। तो खैर, आज हमारे जो गेस्ट हैं वो एक ड्रमर, म्यूजिशियन नहीं है दोनों, एक ड्रमर है, एक गिटारिस्ट है। ड्रमर का मैं बहुत बड़ा फ़ैन हूँ, पहले तो बताऊँ। और मेरे, अगर आप लोगों ने पिछली मेरी पॉडकास्ट देखी हो तो उसमें मैंने एक क्लू भी दिया था कि ये बंदा नेक्स्ट मेरी पॉडकास्ट में आएगा। एंड उन्होंने वो स्पेशली पोर्शन रखा और मुझे पहले मैसेज किया। मैंने साथ ही कहा, भजन पहले आप इधर आए, अगली बात हम बाद में करेंगे। तो मुबीन भाई कैसे हैं? अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? वेलकम टू पॉडकास्ट। और काफ़ी टाइम से वैसे प्लान कर रहा था कि आपको बुलाऊं, क्योंकि साथ भाई के बाद एक आपका है था कि चलो आप दोनों के साथ मेरी वैसे ज़्यादा इस्लाम दुआ थी, तो तहावर भी आपके साथ भी है, माइंड ना करता। तो सेकंड जो हमारे हैं वो गिटारिस्ट हैं। इनकी लाइफ प्रेजेंस की मैं अगर बात करूं तो जब ये बाल खोल के परफॉर्म करते हैं ना तो बंदे को वैसे थोड़ा सा डर लगता है कि भाई अभी मार देंगे पकड़ के, लेकिन वैसे बड़े क्यूट से तो नहीं, खैर ये ज़्यादा ही हो गया, लेकिन बड़े डिसेंट से और अच्छे मिजाज के हैं। तो तहावर भाई, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक ठाक? तो अभी हमारे साथ एक थोड़ा सा ब्लंडर हो गया, बहुत बड़ा, सॉरी, घंटे का ब्लंडर हुआ कि रिकॉर्डिंग ऑन ही थी, बस हम लोग बोली जा रहे थे। तो खैर, दोबारा से हमारे एंड से थी यार, कवर कर रहा था यार। तो कैसे हम ठीक ठाक हैं? तो सर, पहले थैंक यू सो मच आप दोनों का कि आप लोग आए। थैंक यू। तो सर, स्टार्ट से शुरू करते हैं कि बैक इन टू द अर्लीस, जब आपको म्यूजिक का शौक था या क्या था बचपन से ही, बस वो ड्रम का था या क्या हिसाब था? यार, मैंने बेसिकली शुरू किया था बैक इन 2008-09 में। और उस वक्त मैंने बीइंग अ यंगस्टर, और क्योंकि उस वक्त ड्रम किट वगैरह मिली नहीं थी, क्योंकि ओ लेवल्स वगैरह मेरा चल रहा था। अच्छा। एंड ग्रेड्स पे हर चीज डिपेंड करती थी बहुत ज्यादा। सो उस वक्त पेपर कटर और मिला के डब्बो पे ना बजाना शुरू किया था। सही। एंड बाय चांस ग्रेड अच्छे आ गए। अच्छा। से किट शुड में की चीजें होगी। अच्छा। एंड फिर उस वक्त आई यूज्ड टू बी इन अ बैंड, बल्कि तावर के भाई के साथ था उस वक्त। अच्छा अच्छा अच्छा। स्टार्टिंग में तो इशू था, क्योंकि हमारे उस वक्त टेन्योर में, जिस वक्त मैंने शुरू किया था अर्ली 2007-08 में, उस वक्त ये सीन था कि इतना ज़्यादा यू नो अप्रोचेबल नहीं था म्यूजिशियंस को मिलना या सीखना कुछ भी करना। यूट्यूब भी इस तरह से नहीं आया हुआ था। हाँ जी। एंड बैन भी हो गया था। हाँ, बैन भी हो गया था। फिर इतनी अवेयरनेस भी नहीं थी, घर से सपोर्ट भी कम थी। अच्छा। खानदान में पहले लड़का था जो काम कर रहा था। इसमें आपके रिश्तेदार बड़ा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं, क्यों गया तू है कौन तू इधर? अच्छा। तो बट जोक्स अपार्ट, उस सब का क्रेडिट तो सारे पेरेंट्स को जाते हैं, नोइंग ऑल द मसले जो चल रहे थे इनके, तो उन्हें इन चीज सबको नजरअंदाज करते हुए लगा कि यार पढ़ाई के साथ साथ नहीं करते रहो। अच्छा। And things will go your way. ठीक है। अगर करते रहे तो सब बंद होगा। ठीक हो गया। और फिर उसके बाद, क्योंकि मैंने इलेवंथ के बाद बाहर पढ़ने जाना था, ठीक हो गया, ठीक है, मैं जा ही सका ड्यू टू फैमिली इश्यूज। अच्छा। फिर मैं गया था 2011 में आर नियानी के पास सीखने के लिए, जो उधर होते हैं अपना कोक स्टूडियो में था, एंड He was with strings. अच्छा। I was playing for Faisal Kabadia, Bilal Maksoor, Asim Azhar. फिर 2016 जो drum set पे जो पीछे लड़का हो जाता है। Yes, drummer जो। Okay, okay, okay. फिर उसके बाद मैंने सीखा था Dumelo से, जो आते first time के drummer 2016 में। अच्छा। लेकिन मेरी good luck ये रही है being in Islamabad कि मैंने हमेशा बहुत अच्छा artist साथ play किया है, musicians. अच्छा। Especially जैसे इसका भाई Haider, फिर मेरे cousin Amir था, then there was this guy Bob. फिर एक लड़का था वकार, he used to sing. फिर तहावर आया, असाम भी आया, मतलब आया बस, फिर हमाद खालिद एक है, you know, there are plenty of more, एक हमजा आसिफ मुगल भी है, मैं अगर उनका नाम इसलिए आप बोल रहे हो तो मजे की बात हो, मैं हमजा को मैं भी जानता हूँ, ये हमजा को नहीं, मेरी गुड लक इस तरह की, हम लोग कॉलेज में साथ थे, पंजाब कॉलेज में हम लोग ने इकट्ठे ही पढ़ा था। तो उस टाइम पे हमारा एक बैंड, मेरा नहीं मतलब मेरा एक दोस्त है शरियार, उन दोनों का एक बैंड था जो एक बहुत खतरनाक बैंड था। मैं हमेशा फॉर्चुनेट अपना कहूँगा, क्योंकि इस्लामाबाद या पिंडी के अंदर स्पेशली रहते हुए आए
was you know surrounded by so good musicians jinhone mujhe sikhaya jinhone matlab mujhe khud acha karne ki unhone koshish ki acha ki main kis tarike se you know acha bajaun karun kyunki yet again koi itni set direction kisi ne nahi di hui thi na kisi ko pata tha ki music mein hota kya ha yes sahi hai so bas uske baad yehi hota tha ki agar ki papers ya koi aisa scene hota tha to aap अपने स्कूल के यूनिफॉर्म पहन के नीचे गिर के कपड़े पहन के निकलते थे यू यूज टू चेंज और एक और लड़का बल्कि हैदर अता के नाम से ही इज इन यूएसए नाउ वो भी उसने भी मेरे साथ बहुत लंबा टाइम दोनों इकट्ठे म्यूजिक बजाया अच्छा वोकलिस्ट एज वेल बैंड में ठीक है और दैट्स इट लेकिन ये मैं कहूँगा कि इट्स नॉट एन ईजी जॉब टू बी अ म्यूजिशियन इन पाकिस्तान स्पेशली हाँ यहाँ पे सारे वो कहते हैं वो अच्छा एक चीज आपने सॉरी आपकी बात काट रहा हूँ एक चीज शायद आपके साथ भी हुई हो कि आपको आपके रिश्तेदारों को पता चला कि अच्छा मुबीन ड्रम प्ले करता है हमारे बच्चे की सागिरा दर इस पे प्ले करो हाँ, ये होता था नीचे एक जैम रूम बनाया हुआ था ये पहले होता था अच्छा खट्टे हो गए हाँ मुबीन भाई जरा कुछ प्ले करो ना नीचे चलते हैं ना अच्छा नीचे आ गए मैं कहता था यार क्या क्या सुनो मैं कुर्सी बजाओ नहीं या कुछ कुछ और अच्छा हम पीछे एक ट्रैक लगाते हैं तो उसके ऊपर बजाते हैं क्या बनाया मैं भाई सो लेकिन एक चीज अच्छी है अब आजकल के अगर मैं टेन्योर में देखूँ ना तो एक्सेप्टेंस म्यूजिक की बहुत अच्छी चल रही है पीपल आर यू नो गेटिंग इनटू इट लोग अपना एक साइड कैरियर भी बना रहे हैं ठीक है अच्छा अर्न भी कर रहे हैं एंड गेम काफी स्ट्रांग हुई है ठीक है ताहर भाई अब आपके ऊपर आते हैं आपने आपको कब से शौक हुआ कि आप गिटारिस्ट हैं म्यूजिक का गिटारिस्ट बनना है नहीं अच्छा आपको ये था कि मैंने गिटारिस्ट बनना है या कुछ और था कि पियानिस्ट या ड्रमर एज अ क्या बनना इंटरेस्टिंग स्टोरी मुझे खैर माय फर्स्ट एक्सपोजर टू एनी इंस्ट्रूमेंट मतलब पहला इंस्ट्रूमेंट जो मैंने पकड़ा बजाया वो गिटार था अच्छा लेकिन मैं बहुत छोटा था क्लास 2-3 की बात है अच्छा तो वहां से बेसिकली स्टार्ट हुई थी एक अंदर से वो जो होती है म्यूजिक कोई फैमिली मेरा भाई बड़ा ही यूज्ड टू प्ले विद मुबीन भाई उस वक्त इन लोगों का बैंड था अच्छा 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 तो मतलब अच्छा आप दोनों में कितना फर्क है साथ में मतलब मेरे और मेरे भाई में 7 साल का फर्क है मुबीन भाई के साथ मेरा मतलब तो अच्छा भी उस हिसाब से फिर आप यानी कि हो गए कोई कितने साल के बंदे 23 साल में वो छोटे ही यार तो वैसे बाय बाय कर रहा हूँ अच्छा सॉरी बैक नहीं मैं सबसे छोटा अच्छा तो खैर बेसिकली उस वक्त बचपन की मेरी जो सबसे बड़ी इंस्पिरेशंस थी वो ये मुबीन भाई हैदर मेरा भाई और ये लोग नहीं मैं इन लोगों को देखता था ये लोग मुझे अपने शोज पे नहीं लेके जाते थे ये और कहते थे कि मैं तंग बहुत करता हूं ये क्लियर अपनी साइड क्लियर कर रहे मैंने कभी नहीं कहा अच्छा अच्छा ये लोग आते थे घर पे और मेरा होता था कि मैंने भी साथ बैठा ना अच्छा क्यों नहीं आज क्यों ना होता था ये भाई कहता था क्यों अच्छा अच्छा ये वैसे एक बात होती है आपकी भी ज़ाहिबत आप इनके भाई के दोस्त हैं ठीक है तो आपकी इनके साथ ज्यादा लगती होगी भाई से भाई के ये मेरे साथ भी होता था ये मेरे साथ भी होता था फनी मतलब फनी तो नहीं मतलब दोनों बॉयज बहुत जेन्युइन है ये और हैदर अच्छा और दोनों से मेरी दोस्ती बहुत ज्यादा है इससे भी और उससे भी बहुत ज्यादा है हैदर से भी लेकिन तहावर से मेरी दोस्ती हुई है जब हमने इकट्ठे प्ले करना शुरू किया उससे पहले थी लेकिन से होती थी कि अच्छा ये तहावर लेकिन हम ऑफ एंड ऑन मिलते जुलते थे सब कुछ था हाँ। लेकिन वो फिर बॉन्डिंग और ज्यादा अच्छी दोस्ती हुई जब हमने इकट्ठे बजाना अच्छा अच्छा तो मेरे भाई के साथ भी ये मसला होता था कि वो उसके दोस्त आते थे तो मैं जाकर पहले सलाम भाई से किया तो उनके साथ थोड़ी गप्पे लगानी तो भाई यार तू जाना नीचे यार पढ़ने दे तो मैं फिर नीचे चला जाता अच्छा ये छोटे भाइयों पे जुल्म क्यों ऐसा होता है लोग मतलब वो पता है एक तो था कि ये लोग सारे कमरे में बैठे थे और मेरा भाई ताला लगा देता था अच्छा मैं बाहर आता था कि मुझे भी अंदर आना अच्छा अंदर मुझसे मुझे आवाजें आ रही हैं गिटार बज रहा है ठीक है डक 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 हो रही है तो काफी जुलम हुआ है आप पे बहुत यार बहुत आपको मुश्किल लगी गिटारिस्ट बनने में हाँ बहुत खैर वो कमिंग बैक टू द पॉइंट क्लास 2-3 की बात थी तो मैं इन लोगों को देखता था बड़ा मुझे होता था कि यार मैंने भी स्टेज पे जाना है मैंने भी बजाना है तो आई रिमेम्बर उस वक्त हमारे पास गिटार कोई नहीं था अच्छा तो मेरे चाचू भी बजाते हैं गिटार तो वो जब मूव किया उन्होंने यूएस तो उन अपना एक गिटार पुराना पीछे छोड़ गए अच्छा और वो टूटा हुआ था उस पर 3-4 स्ट्रिंग्स थी लगी हुई तो वो कहीं से हमें मिला तो उसी पे टड़ंग पड़ंग करते करते कहीं ना कहीं पहुंचे फिर आई रिमेम्बर
हैदर का मेरा भाई है, उसका रिजल्ट अच्छा आया तो उसने कहा कि जी अम्मा बस जिद की कि मुझे गिटार लेके दें। अच्छा, तो पहला अकुस्टिक गिटार आया हमारे घर और उस पर पहली चीज जो हम दोनों ने सीखी बजाना वो आदत आतिफ असलम का गाना है। ये हर बच्चे ने सीखी हुई है, हर म्यूजिशियन की एक ही कहानी है, पहला गाना कौन सा बजाया था? आदत बजाया था, बजाना सीखा। सही बात है, लेकिन उस वक्त की अच्छी बात यह थी कि उस वक्त जो बैंड्स रनिंग में थे, जो लोग ज्यादा सुन रहे थे, मैंने मेरा भी फाउंडेशन बड़ी अच्छी सेट हुई थी आई वुड से, इसलिए बिकॉज जो उस वक्त बैंड्स थे जैसे गन्स एंड रोजेस, आयरन मेडन, मेटालिका, पेंटेरा, मतलब द गुड काइंड ऑफ हैवी म्यूजिक, ये सुन सुन के मतलब जब ये फाउंडेशन अच्छी बन गई तो फिर उसके बाद मुझे पता था कि यार मेरा सॉर्ट ऑफ डायरेक्शन क्या है, मैं किस तरफ जाना चाहता हूँ। ठीक हो गया, तो वो एक अच्छी बात थी कि शुरू से ही एक सेंस ऑफ डायरेक्शन थी कि यार क्या करना है मैंने। अच्छा मुबीन भाई, मुझे एक बात बताएं कि बैंड्स का जो एक कल्चर है ये काफ़ी पुराना वैसे, लेकिन इसको जो अराइव हुआ है ये पेप्सी बैटल ऑफ बैंड्स के बाद हुआ। आप भी मतलब कि उन्होंने आप भी बल्कि उधर ही परफॉर्म आपने भी किया हुआ है। आपने किया था हमजा के साथ किया था? यार हमजा हमजा तुझे भी बुलाऊंगा, इनके साथ ही बुलाऊंगा। अच्छा तो मैं वैसे ही कहना चाह रहा हूँ कि आजकल का टाइम है, क्योंकि ज़्यादातर अब मैं ये देख रहा हूँ कि जो सोलो है ना आर्टिस्ट वो ज़्यादा ऊपर आ रहे हैं। बैंड्स वालों में यहाँ तो एक अच्छा चल रहा होता है, एकदम करते करते पता चलता है कल तो भाईजान सेपरेटेड। व्हाई? क्यों? मुझे क्योंकि सबसे ज़्यादा दुख लगा था जब स्ट्रिंग्स अलग हुए थे, क्योंकि मैं उनका बड़ा फैन था। तो आप इसके कि क्या हिसाब था आपका? यार बैंड कल्चर होता बहुत अच्छा है अगर सही तरह से उसको यू नो जोड़ा जाए। अच्छा, वरना तो एक मेस है वो। सोलो आर्टिस्ट लिए आगे आते हैं क्योंकि सोलो आर्टिस्ट के सर पे टेंशन होती है किसके साथ भी रखनी उसे, वो कहते हैं बस बुला लिए बजा लिए दैट्स इट, अच्छे तरीके से काम करेगा। जैसे आई एम प्लेइंग फॉर 4-5 सोलो आर्टिस्ट, ताहम इज प्लेइंग फॉर 4-5 डिफरेंट सोलो आर्टिस्ट। सुकून इसलिए क्योंकि यू गो यू प्ले, अच्छे शोज होते हैं, नंबर ज्यादा होते हैं शोज के। मैं पैसों की बात नहीं कर रहा। ठीक है, तो आपकी अर्ज खत्म होती है कि अच्छा शोज जाने हैं, अच्छे सिटीज में जाते हो, अच्छे अच्छे वेन्यूज मिलते हैं आपको, आपकी मर्जी की किट्स होती हैं, आपकी मर्जी का साउंड होता है, यू नो इज्जत डिफरेंट मिल रही होती है। ठीक है, बैंड में इन पाकिस्तान अभी भी बहुत अच्छे 2-3 बैंड्स हैं जो कि प्ले कर रहे हैं, जो कि शुरू से इकट्ठे हैं। ठीक है, इशू ये आता है कि जब यू नो 3-4 लोग होते हैं या 5-6 लोग एक बैंड के अंदर, उन लोगों के माइंड अगर मिल रहे हैं लेकिन कोई इक्का या दुक्का बंदे आप अपनी यू नो चलानी शुरू कर दे, करता रहे फिर एक टाइम आता है कि बाकी मेंबर जो है ना वो कहते हैं कि यार यू नो होल्ड ऑन करके ना हमें हट जाना चाहिए। ठीक है, कभी कभार पैसों के ऊपर लड़ाई होती है लेकिन ज़्यादातर यही आर्ग्यूमेंट्स शुरू हो जाते हैं कि जी ये नहीं करना वो करना है, इस तरह उस तरह नहीं है, बात नहीं सुननी, बात नहीं समझनी, लेटर ऑन बात समझनी है, लेटर ऑन सोचना है कि शिट मैंने क्या गलत किया है, तब तक टाइम निकल गया होता है। निकल जाएगा तो टाइम निकलने के बाद किसी चीज़ के ऊपर यू नो प्लेज करना कि शिट मुझसे क्या हुआ है उससे बेहतर है कि आप पहली साइड पे जाओ। ठीक है, ठीक है। सेकंडली मुझे लगता है कि इफ यू आर मेकिंग अ बैंड या कुछ भी है, अपना बॉन्ड इतना स्ट्रांग रखो अपने बैंडमेट्स के साथ कि यार यू नो अलग होने का मौका ही ना हो, और अगर आपको लग रहा है कि यार अलग होने लगे उस चीज को पहले संभालो। ठीक है, चीज खत्म होने के बाद उसके ऊपर बैठ के कहना कि ओहो ये हो गया वो हो गया, देन इट्स ऑफ नो यूज। ठीक है, और हमारे यहाँ पे मसला बैट्स खत्म होने का सबसे बड़ा ईगो है ना, वो तो है भाई, मैं ईगो जहाँ जाती ना बस वहां समझो कि ठप्पा लगे जी ये चीज खत्म होने वाली है, और अगर तो ईगो नहीं आती तो फिर पैसे आ जाते हैं। हाँ, पैसे नहीं आते तो फिर आपस की मुंहमारी शुरू हो जाती है, आपस की मुंहमारी शुरू होती है तो कभी कह जाते कि जी फलाना बंदा उठ के उधर चला गया, उस जगह नया बंदा आ गया, बस नए बंदे को 10 गाने सिखाओ, फिर वो गया फिर वो आए, एक टोटल नॉनसेंस मची होती है। अगर आप फिर अपनी सेंस किसी और में डालने की कोशिश करो, अगर वो ना सुने आगे से देन इट्स बेटर कि बजाय सब साइड पर एक पांव पीछे कर लो। ठीक है, इससे पहले कि लड़ाई मार कुटाई हो, गालों गलौज हो, इट्स बेटर टू यू नो स्टेप आउटसाइड, अपनी जगह पे सारे खुश रहो। मैं एज एन इंडिविजुअल अगर मैं अपनी बात करूँ तो आई हैव एंजॉयड अ लॉट प्लेइंग इन बैंड्स, और क्रेडिट गोज आउट टू एवरीवन जिनके साथ मैंने बजाया है, ताहर हो गए, सांभ हो गए, देर से नाते गिटारिस्ट भाई जब हमाद, पिछले बैंड के जितने लड़के जिस तरह का भाई सब था। ठीक है, सो यू नो उन सब के साथ मतलब बजाया सब कुछ मैंने, येट अगेन मैं बहुत फॉर्चुनेट था सब बजाते हुए, और मेरे ख्याल से कि अगर आपकी बॉन्डिंग लोगों के साथ अच्छी है ना, अगर आप अच्छा बजा रहे हो, अगर अगले आपकी रिस्पेक्ट कर रहे हैं,
तो कभी भी चीज़ ख़त्म नहीं हो सकती। ठीक हो गया। मैंने बल्कि लास्ट में मैंने पिछले दिनों की एक वीडियो भी देखी थी, मुस्तफ़ा जायद के साथ आपने प्ले किया है। हाँ, वो पेप्सी का एक गाना था। वो नहीं, बेसिकली इसकी MSL एक लीग है। अच्छा। जो कि उन्होंने बल्कि पिंडी स्टेडियम में भी लास्ट मंथ हुई भी है। सेलिब्रिटीज और हाँ जी जी जी, उसकी म्यूजिक वीडियो में बेसिकली मैं आया था। हाँ। और तो नहीं, वैसे आपने प्ले भी किया था। हाँ, मतलब जैम शैम किया। अच्छा, जैम। और दूसरा ये कि मैं दोबारा हमजा का शुक्र अदा करूंगा कि हमजा हमें लेकर गया है। यार एक काम करो यार, इन दोनों को उठा के हमजा को बिठा लो यार। हमजा ने बेसिकली हमें बेचा है। अच्छा भाई। हर आर्टिस्ट हर जगह हमजा में बेचता है। अच्छा अच्छा, मतलब कि वो असलम या तहावर बेचता है हर जगह। नहीं, नहीं वो उसी को पता है। अच्छा, अपनी स्टोरी में बता रहा। अच्छा, तहावर भाई, आप अभी क्या मतलब कि सोलो तो आप भी प्ले कर रहे होंगे, तो आपका एक्सपीरियंस कैसा है बैंड में परफॉर्म करने का? हमजा को छोड़ दे, बेचारा हमजा कह रहा होगा मैं किधर फंस गया। नहीं, वो बहुत बिजी होता है। अच्छा, क्या कहते हैं, अभी तो खैर सेशन प्लेइंग की तरफ रुझान हुआ है। ज़वार अली ज़ाहिद इस्लामाबाद का एक बड़ा अच्छा, इज अ वेरी गुड वोकलिस्ट, इसके साथ बैंड में मैं भी हूँ, मुबीन भाई भी हैं। अच्छा, हमजा भी है। अच्छा। और ज़वार अली ज़ाहिद, हमजा भाई मेरी तेरी दोस्ती में ना कोई मसला नहीं आना चाहिए, मैं पहले बता रहा हूँ। ये लोग बात कर रहे तेरी, मैं बात नहीं कर रहा, मेरा लगे हमजा ही है। आपके ऊपर फालतू की फटीकियां नहीं होती है यार, अब वहां भी जाना है, वहां जाके साउंड किसका है, क्या सीखना है, साउंड चेक भी करना है, फिर उसके बाद शो रात को है और आपने अगर सुबह 12 बजे पहुंच जाना है जी, और वही बात है, यू गेट टू प्ले मोर शोज और यू गेट टू प्ले डिफरेंट साउंड, डिफरेंट साउंड इन अ वे कि आप अपने कंफर्ट जोन से निकलते हैं बाहर। सही। बैंड एक्सपीरियंस भी बहुत अच्छा है और इन अ वे कि आप किसी अगर एक चीज में एक्सपेरिमेंट करना चाह रहे हैं ना, तो आई वुड से बैंड सेटिंग वर्क्स गुड फॉर एक्सपेरिमेंटेशन। ठीक है, लेकिन जो सेशन प्लेइंग है इट डजंट वर्क दैट वेल फॉर एक्सपेरिमेंट। अच्छा, आपने अपने आप को एक्सप्लोर किस चीज में ज्यादा किया है एज अ बैंड मेंबर, एज अ बैंड मेंबर? और आपने? नहीं, ओपनली जवाब दें, कोई मसला नहीं है। दोनों में किया। नहीं, ज्यादा मतलब किया गया था यार, अच्छा मैं अब सोलो आ गया हूँ, अब मैंने अपने तरीके को बजाना है, या बैंड में ऑब्वियसली बात है यार उसी तरह की चीज एक करनी पड़ती है। बैंड का फायदा ये होता है कि वो आपकी एक तरह से अपनी चीज होती है। अच्छा, तो वो आप इन अ वे के जो भी म्यूजिक आप कंपोज कर रहे होते हैं, होता तो खैर सेशन प्लेइंग में भी यही है। सेशन प्लेइंग में होता है, वो बेसिकली डिपेंड करता है कि जो सोलो आर्टिस्ट है वो कितनी छूट दे रहा है। अच्छा, ठीक है। मतलब मैं दो और आर्टिस्ट का बजा रहा हूं, कोरम वकार है जो क्यास में थे जी जी, जवार के साथ है, रिजवान के साथ है और एक निमरा रफीक है, उनके साथ लेकर आ रहा हूं। तो इनमें से जो कुछ ऐसे आर्टिस्ट हैं जो कहते हैं कि यू नो जो हमने गाए ना वो उसी पे ही बजना चाहिए। ठीक है। अच्छा, जवार है और जो दो तीन लोग हैं वो कहते हैं कि यार यू आर फ्री टू प्ले व्हाटएवर यू वांट टू प्ले। बैंड, मैं तो शुरू से बैंड में था, वो तो अभी एक 1.5 साल बजता सी यू नो फ्रीलांस इधर उधर से प्ले करना, व्हिच इज अ वेरी गुड टफ एंड एक्साइटिंग एक्सपीरियंस। अच्छा, क्योंकि प्रॉब्ली शायद मैं भी एक चीज करके ना मेरी भी एंड में बस हो गई थी। ठीक है। रिजल्ट्स फ्रूटफुल थे लेकिन इट टेक्स लॉट ऑफ टाइम। अच्छा। प्रॉब्ली शायद हमारी इंडस्ट्री ऐसी बैंड्स की यहाँ पे, लेकिन अच्छा है अभी, मतलब और भी बहुत से बैंड्स हैं जो कि बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, आई एम ग्लैड के बैंड्स चल रहे हैं, लेकिन हाँ बैंड में आपके पास मतलब ज्यादा यू नो स्पेस होती है। ठीक हो गया। टू प्ले ऑन थिंग्स। ठीक हो गया। तो अभी जो पेप्सी बैटल ऑफ बैंड्स के साथ भी मैंने सुना है कि आप उनके साथ भी काम कर रहे हैं, जो ये पेप्सी बैटल ऑफ बैंड्स से जो निकले हैं, बयान निकला है, औज निकला है, उनके साथ भी आप काम कर रहे हैं? नहीं नहीं, हम उनके साथ नहीं, वो अपना नहीं, मतलब कि इन अ सेंस के जब परफॉर्मेंस होती है मुलाकात होती होगी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ये मतलब पेप्सी के यहाँ, अब तो खैर पेप्सी भी अब पुराना हो गया, कोक चल रहा है बहुत अच्छा, सो इन सब लोगों के साथ बहुत अच्छे साथ हुआ है। अभी रिसेंटली हमने 2-3 शोज इनके साथ भी किए, औज वाले बल्कि मेरी तरफ जैम करने भी आए थे, उनका कराची से इधर एक शो था इस्लामाबाद में। अच्छा। तो वो एक जगह ढूंढ रहे थे जहाँ पे यू नो दे कैन प्रैक्टिस बिफोर द शो। ओके। तो वो मेरी तरफ भी आए थे, बहुत अच्छे लोग हैं, बहुत अच्छे लड़के हैं, ऑल्दो आई हैव जस्ट
met them through Instagram. अच्छा एक बार मिला इनको अपने घर पे था. अच्छा जबरदस्त. इतनी अच्छी मतलब हमारी आपस में हो गई थी. ऑब्वियसली तो दिमाग है ना. बाकी सब लड़के बहुत अच्छा मतलब इफ आई टेक आउट एनीवन. मैं अभी रिसेंटली जो कराची में शो प्ले करने गया हुआ था फोरम का वहां पे शेरी खटक गया हुआ था करो का वोकलिस्ट. वो भी मतलब ऐसे ही मिलता है जैसे यू नो हम फ्रीक्वेंट मिल रहे हो लेकिन हमसे गिग्स पे या कॉन्सर्ट्स पे मिल रहे होते हैं. सब मतलब बॉयज बहुत अच्छे हैं और मेरे हिसाब से उनकी सक्सेस का रेशियो रेट है ही इतना ऊपर बिकॉज ऑफ वो डाउन टू अर्थ. अच्छा मुझे एक चीज़ बताएं. ये तो चलो ठीक है म्यूजिक की बात होगी. अब मुझे बताएं एज ए प्रोफेशनल लाइफ. प्रोफेशनल लाइफ की तरफ आते हैं. आई नो यू आर अ बिजनेसमैन आल्सो. ठीक है आप एज अ क्या आई एम करंटली वर्किंग एज एन आर्किटेक्ट. आर्किटेक्ट कर रहे हैं ठीक है. तो आप किसको ज़्यादा प्रेफरेंस दे रहे हैं या तो म्यूजिशियन म्यूजिक को या फिर एज अ बिजनेस को? क्योंकि ऑब्वियसली बात है दोनों बहुत टाइम लेते हैं और दोनों को टाइम बहुत चाहिए. तावर पहले क्योंकि अभी इसने अपनी पढ़ाई खत्म की है तो आई थिंक ओके. तावर भाई आप बताएं. मुझे भी वैसे जिस पॉइंट पे मैं भी हूँ अपनी लाइफ में मुझे भी 6 महीने हुए हैं ग्रेजुएट हुए हैं. अच्छा और आई एम वर्किंग एज अ फुल टाइम आर्किटेक्ट भी साथ साथ. अच्छा जबरदस्त. और साथ साथ म्यूजिक भी है. अच्छा अच्छा अच्छा. तो एट दिस पॉइंट आई वुड से कि मैं ऑब्वियसली आई वुड लाइक टू रिलाय ऑन आर्किटेक्चर एज माय सोल प्रोफेशन. मतलब जो मेन आपका प्रोफेशन होता है. ठीक है. As a second profession, I like to think that music is my second profession. ठीक हो गया. और मेरा एक ये ज़िंदगी का life goal भी है कि मैं किसी एक ऐसी stage in life पे पहुँचूँ जहाँ पे मैं architecture और music को balance out दो कश्ती के सवार होना चाहते हैं. दो कश्ती के सवार होना चाहते हैं. उसकी वजह ये है कि ये दोनों चीज़ें मेरे लिए personally इनमें इस equation में से architecture music की equation में से कोई एक चीज़ भी अगर निकल जाती है ना वो फिर बहुत इंबैलेंस हो जाता है कि दोनों चीजें एक दूसरे को सस्टेन कर रही हैं. अच्छा एक बात मैं कहना चाहूंगा कि आपकी जो फील्ड है आर्किटेक्ट और म्यूजिक क्योंकि म्यूजिक क्योंकि लास्ट पॉडकास्ट हुई थी मेरी सात भाई के साथ साथ कुरैशी भाई जो बेस गिटारिस्ट भी उन्होंने काम किया हुआ है तो वो मुझे ये बता रहे थे कि ये जो आर्किटेक्ट वाली फील्ड है ये मीडिया वाली साइड पर बड़ी रिलेट करती है स्पेशली इन म्यूजिक. बिल्कुल. क्योंकि कंपोजिंग भी करनी होती है इसमें डिजाइनिंग भी होती है और मतलब वही सारी चीजें आप म्यूजिक में भी करते हो वही सारी चीजें आप इसमें आर्किटेक्चर में भी करते हो. मेरी जब सात भाई से मुलाकात हुई थी तो मैं बड़ा खुश था बड़ा एक्साइटेड भी था क्योंकि मेरी उनसे काफी डिस्कशंस होती थी. अच्छा. इस बात पे ना तो खुश महसूस था कि शुक्र है कोई आर्किटेक्ट है जो म्यूजिक भी कर रहा है. नहीं मुझे उन्होंने बताया काफी आर्किटेक्ट कर रहे हैं म्यूजिक. अच्छा काफी आर्किटेक्ट मुझे अगर काफी बताया था उन्होंने कि काफी म्यूजिशियन आर्किटेक्ट हैं. अच्छा अच्छा. और दूसरी बात अच्छा अब एक क्योंकि आर्किटेक्ट जो वाली फील्ड है उस पर थोड़ा दिमाग दें बिजनेसमैन एंड म्यूजिक. हाँ, ये किस तरह आप बैलेंस करते हैं? मैं सिर्फ एक चीज कहना चाहूंगा. मैं मतलब तहावे जब पहले पढ़ भी रहा था तभी मैं उसको ये कहता था कि यू नो आपको अपनी पढ़ाई म्यूजिक लिए नहीं छोड़नी चाहिए. ठीक है. डिग्री जरूर कंप्लीट करो. ठीक है. और क्योंकि हमारा म्यूजिक बहुत अनसर्टेन है यहाँ पे हमारे इस मुल्क में. आप अगर आज किसी अच्छे आर्टिस्ट साथ प्ले कर रहे होगे हो सकता है कि कल को वो रख ले आपसे बेहतर लोग आएंगे. और हम कभी अपने आपको क्रेडिट देते भी नहीं. हम हमारे से वो हमसे प्रमोट करता है आपको. हाँ बेचते अच्छा अच्छा. सो अब बिक रहे हैं आपसे. हम बिक रहे हैं. अच्छा तो सिनेरियो ये कि आपको ना बेसिकली अपना करियर पाथ साथ जरूर रखना चाहिए म्यूजिक है. ठीक है. मैंने भी दोनों चीजें साइमल्टेनियसली चला रहा हूँ. और अगर आपने म्यूजिक करना है तो फिर साइमल्टेनियसली आपको काम करने आने चाहिए. ये नहीं हो सकता कि आप पूरा दिन बिस्तर पड़े हुए कोई एक शो आएगा तो जाओगे तो शो बजाने जाएंगे. नहीं वरना ये आपकी मुझे हंसी बता रही है कि कोई पर्सनल एक्सपीरियंस काफी हुए हुए ऐसे. नहीं नहीं पर्सनली. तो आप अगर तो कोई शो आएगा तब जाओगे वहां तो यू आर यू नो नॉट डूइंग एनीथिंग. इस तरह से चीजें नहीं चल सकती. ठीक है. मैं मतलब इफ दिस इज अ मैसेज टू ऑल द यंग पीपल या जो लोग ग्रेजुएट कर रहे हैं या जो लोग अभी म्यूजिक शुरू कर रहे हैं जी हम सिर्फ म्यूजिक करेंगे. आप जरूर करो 100 दफा करो. ठीक है. डिग्री लो कोई जॉब जरूर करो. अपने साथ से यू नो एक और पक्का स्टैंडिंग बनाओ. बेस एक पीछे पक्की रखो. पता है जब मैंने बेसिकली अपनी पढ़ाई खत्म की थी तो मैंने 2 जॉब्स की थी. अच्छा. 2 कंपनीज में एक यूफो के लिए की थी और एक मैंने पीटीसीएल में की थी. पीटीसीएल में. अच्छा अच्छा. अब ये बेसिकली जो थी ना बेसिकली जॉब जो थी ये इट वाज जस्ट टू शो माय पेरेंट्स कि यू नो आई कैन डू इट. और मैंने एक एक साल दोनों जगह पे की थी. अच्छा. ठीक है. उसके सुबह शाम मतलब सुबह एक मतलब एक साल एक जगह पे की थी फिर उसके बाद मैं स्विच कर ली थी. ये 2012 मतलब 13-14 महीने की थी.
अच्छा जब मैंने खत्म की थी उसके बाद फिर आई केम टू द बिजनेस ताकि मतलब यू नो एक होता है कि आपने जिन्होंने इतना पैसा आपके ऊपर जात पे आपकी लगाया है उनको तो कुछ दिखाई नहीं भाई देखिए मैंने एक चीज हमेशा ये सीखी है कि आपकी जो अभी देखिए जैसा मेरी जो मेंटल यू नो कैपेबिलिटीज हैं वो मेरे बच्चों की मुझसे डिफरेंट होगी क्योंकि वो एक नेक्स्ट जनरेशन में पैदा हुए हैं ठीक है तो इस तरह से मेरे पेरेंट्स की जो मेंटल कैपेसिटी है वो मुझसे डिफरेंट थी डिफरेंट तो अगर वो मेरे लिए मेरे म्यूजिक के लिए इतनी हर्डल कर चुके थे मेरी टीन्स में तो इट वाज माय जॉब टू यू नो गिव देम अ पे बैक इस तरह के चक्कर में कि मैं म्यूजिक के साथ साथ उनकी भी ख्वाहिश पूरी करूँ जॉब करने की ठीक है अच्छा दूसरी बात मुझे बताएं अच्छा सॉरी पहले आपके तो मेरा सिर्फ ये कहने का कि इट इज टफ एट टाइम्स लेकिन मैं कभी भी भागता नहीं हूँ कि मैंने काम नहीं करना या मैं सुबह नहीं उठ सकता मैं 12 बजे से पहले नहीं उठ सकता मैं इस तरह नहीं होता मैं अगर आपको लेट भी सोऊंगा तो आई एम वेकिंग अप एट 8:45, 8:39 मैक्स आई हैव टू वेक अप ठीक है या ज्यादा तीर ही वहां 9:30 एंड आई हैव टू बी ऑन द रोड उसके बाद ठीक है भैया मैं प्रैक्टिस भी रोज ही कर रहा हूँ ठीक है वो भी सुबह कर रहा हूँ मैं कॉन्सर्ट्स भी बजा रहा हूँ मैं अपनी फैमिली भी देख रहा हूँ ठीक है इफ आई कैन डू 4 थिंग्स एट अ टाइम देन आई थिंक के देखता नहीं है देखता नहीं बट द पॉइंट इज कि अगर आप ऑनेस्ट हो ना अपनी म्यूजिक के साथ करियर पाथ आओगे ना कि ले जाए और ये चीज मुझे तावे की भी अच्छी लगती है कि ही इज डूइंग जॉब इन द मॉर्निंग सुबह 9 बजे हम लोग की अक्सर सुबह 9 बजे बात होती है अच्छा हाँ रास्ते में हम लोग की अक्सर होती है अगर शाम को शो हाँ मैं आपको मैसेज करता हूँ मुझे सुबह ही रिप्लाई आता है 9:30-9:30 रिप्लाई आता है इंशाल्लाह आपका भाई हाँ तो इसी तरह मैं हम लोग की टाइम सुबह बात हो रही है तो यू हैव टू वर्क अच्छा फैमिली कितनी मैटर कर रही है मतलब कि फैमिली जाहिर बात आप परफॉर्मेंस करने जा रहे हैं टीवी परफॉर्मेंस करते हैं फिर गिग्स पे रहते हैं जॉब भी करते हैं सॉरी बिजनेस भी संभाल रहे हैं सब कुछ कर रहे हैं तो बीवी बच्चे किधर स्टैंड करते हैं यहाँ से वो उसी जब गिग नहीं है तब हम आपके मतलब फिर हम आपके नहीं ऐसे नहीं होता अच्छा तो फिर आप घर से बाहर ही हो ये डरने वाला एलिमेंट बहुत है मेरे ख्याल से मैं फैमिली का देता हूँ एंड आई थिंक तहावर वुड बी अ बेटर ऑप्शन देने का जवाब के यंगस्टर और किस्सा कर रहा हूँ मैं सिर्फ एक साइड बताता हूँ तहावर दूसरी बताता हूँ ओके ओके पहले बताऊँ अच्छा सो बेसिकली फैमिली मैटर्स अ लॉट अगर फॉर इंस्टेंस मुझे मेरी वाइफ की तरह सपोर्ट ना होती आफ्टर माई पेरेंट्स तो हम ये बात ना करते फिर ये चाय कप होता ही सब कुछ बंद होता और मैं और आप बैठ के कह रहे होते यार बताओ कल सुबह किस वक्त ऑफिस जा रहा है मेरे ख्याल से इट इज इम्पॉर्टेंट कि आपने एक तो जो चीज कर रहे हो वो ऑनेस्टी से कर रहे हैं एंड दे नो व्हाट यू आर डूइंग ठीक है ना कोई हैंकी पैंकी नहीं कर रहे ठीक है ना पहली बात तो ये सेकेंडली अपना को बिजी जरूर रखो चीजों में चाहे आपका म्यूजिक से अलावा कोई और काम भी हो रहा है ठीक है लेकिन इतना अपने आपको मसरूफ ना कर लो कि किसी के लिए टाइम ना हो चाहे आपकी शादी हुई भी नहीं हुई घर वालों के भी टाइम ना हो ये हम हमेशा क्या तीर चलाते हैं यही बात कहेगी कि ओहो इसकी फलानी की शादी होगी ये तो नहीं आप कर जाएगा आपकी शादी ना भी हुई हो आपके पेरेंट्स घर पे हैं आपको टाइम निकालना है उनके लिए भी नहीं वैसे मैंने ये काफी यंगस्टर्स को देखा है जो अपने अभी वाले साहब के बिजनेस संभाल रहे हैं एंड दे आर नॉट मैरिड लेकिन वो फिर ये कहते हैं कि भाई सुबह गए एंड दे कम आफ्टर रात को 11-12 बजे आ रहे हैं हाँ। तो ना वाला के लिए टाइम है ना बहन के लिए टाइम है ना टाइम देना बहुत जरूरी है जैसे आई हैव टू किड्स माशाल्लाह तो उनको भी टाइम देना जरूरी है हाँ बच्चों को होता हाँ, चाहिए हमारा हाँ, अब्बा घर पे हाँ, exactly, हाँ, पता हो चाहिए क्या सीन कुछ टाइम बताया मम्मी अभी अकल कौन है सो आपको नीड्स जो है ना पूरी सबकी करनी होती है आपकी चाहे शादी भी नहीं हुई दैट्स अ टोटली डिफरेंट केस घर पे पेरेंट्स हैं उनकी भी आपको नीड्स पूरी करनी है तो ये रोल बहुत प्ले करती है एंड आई पर्सनली बिलीव कि मैं जब गया था ना पेप्सी में बजाने के लिए ठीक है उस वक्त मेरी जो मेरी बेटी थी ना शी वाज हार्डली 1 साल की थी वो अच्छा एंड आई लेफ्ट ओके वो बहुत मुश्किल टाइम ऐसे होगा बहुत ज्यादा और मैं ये बताऊं कि अगर फॉर इंस्टेंस अगर मेरी वाइफ कोप अप ना करती उस वक्त इस पूरे सिनेरियो में तो आप फिर नोवेयर सो आपको क्रेडिट हमेशा जिस तरह पेरेंट्स को देते हो आपको आपके पार्टनर को भी देना होता है वन डे और द अदर यू आर गोइंग टू गेट मैरिड यस ओके सो वन डे और द अदर नहीं भाई ऑनेस्टली बताऊं मुझे इनकी अगर साल पर उम्र पता ना चलती मैं यही समझता कि माशा 3-4 बच्चे हैं नहीं वैसे वैसे देखा जाए हम दोनों में सबसे ज्यादा बड़े ही लग रहे हैं जी जी वेरी हेल्दी सो आपको बेसिकली बैलेंस करनी होती है अपनी चीजें
बेवकूफों की तरह नहीं आप चल सकते जिंदगी ठीक हो गया तो पॉज हो रही है जी जाइए अब आपका गैस ये मैं सुनना चाहूंगा ये ना वैसे एक बात है भाई तो आप कोई स्पेशल देखे हैं यार भाई तू आज बोल आज तू बोल ये सवाल का जवाब मैं तहावर से सुनना चाहता हूँ या बाद में हैदर भाई को जाएगा ये तेरे भाई ने बोला है सोच लिया वो बिजी होते हैं यार सॉरी वो नहीं कर सकते बिजी इज वेरी बिजी अच्छा अच्छा मजे की बात है यही साथ भाई ने साथ जब लास्ट टाइम आया था लास्ट उसने ये बोला तो मैं क्या मुबीन भाई नेक्स्ट होंगे कहता उनसे पूछ ले बहुत बिजी बंदा अच्छा खैर तो खैर क्या कहते हैं मेरे लिए सबसे ज्यादा स्ट्रगल का जो टाइम था ना म्यूजिक और लाइफ बैलेंस करने वाला वो यूनिवर्सिटी का टाइम था अच्छा क्योंकि ऐसे जब तक मैं हॉस्टल में था ना यूनिवर्सिटी के चीजें बहुत चल थी क्योंकि किसी को नहीं पता होता किधर हो क्या करना क्या कर रहा हूँ मतलब हॉस्टल लाइफ ऐसे चल नहीं होती हॉस्टल लाइफ क्या चीज चल होती है हाँ हॉस्टल लाइफ फिट होती है यार इन अ वे आपको मतलब आप फ्रीडम होती है ना फुल टाइम अच्छा मेरी वैसे रही नहीं है इसलिए भी कह सकता है अच्छा थैंक्स तो असल चैलेंज शुरू हुआ था जब मैं घर शिफ्ट हुआ था अपने थीसिस के टाइम पे अच्छा कोविड के अच्छा फोर्थ ईयर था आई गेस आर्किटेक्चर हम लोगों का तो अच्छा फोर्थ और फिफ्थ ईयर काफी क्रूशियल होता है तो अब वो ऐसा टाइम था अब मेरे ऊपर जारी बात है मेरा ये बिल्कुल नया नया एक्सपीरियंस था मुबीन भाई तो क्या कहते हैं इन्होंने स्ट्रगल सारी देखी है मुबीन भाई ने कोविड को दुगना वैक्सीन ने बनाई है इन्होंने तो वो सारे एक्सपीरियंस किए हैं स्ट्रगल्स देखी हुई है मेरा तो ये एंट्री थी अब वो ऐसा टाइम था कि मेरे मेरा फोर्थ ईयर भी चल रहा है ठीक है प्रोजेक्ट चल रहे हैं फुल धड़ल्ले पे और मैं पूरा पूरा दिन घर पे भी हूँ जरा सा मैं कि बाहर इधर उधर हो जाऊँ तो बेटा कोविड है बाहर नहीं जाना असल में तहावर मेरे घर से पीछे स्ट्रीट में रहता अच्छा लिटरली दो ठीक है अच्छा नेबर्स हैं तो वैसे कोविड में आप लोगों का क्या सीन होता था यार आपके चलो आप तो हो ना वो ड्राइवर हो तो आप मैं खास से लगता होगा रोज मिलते थे कितनी दफा कोविड हुआ पोल खोल लिया तो बता दे ये तो मैंने कहा क्या सीन है इसका टावर दो हफ्तों के लिए गायब था अच्छा फोन करो तो बिल्कुल ऐसे ऐसे अच्छा कोविड में हमारे शोज भी होते थे मैं कहता था यार ये मैं कैसे करूंगा एक तो पहली गलती पड़ रही है अच्छा एक तो पहली अच्छा चलें फिर भी आपके शोज थे ना कुछ मसला था मेरी शादी थी कोविड में हुई है मैं आपको मजेदार बात बताता हूँ अक्टूबर में मेरी शादी थी ठीक है एंड तकरीबन 10 दिन पहले मेरी तबीयत खराब नहीं कोविड नहीं मैं आपको पूरी मुझे सबसे ज़्यादा डर ये था कि 10 दिन में मेरी शादी थी अब मुझे समझना है मैं क्या करूँ खैर मैंने नीचे इसके साथ जो रूम है मैंने इधर रहना शुरू कर लिया अकेले ठीक है जी को मैं नीचे ही बस खाना शाना ऊपर से लेके बस ठीक है लेकिन नॉर्मली फेरा था अगर मिलता भी था तो मास्क पहन के सब कुछ अब मेरी जो सुने जो स्मेल की सेंस है वो अराउंड शादी से 4 दिन पहले खराब अच्छा मज़े की बात शादी में सारी तैयारी चल रही है घर की सारी तैयारियाँ चल रही हैं अच्छा यार वो फौजी वो शेरवानी लेकर आनी है जी अच्छा मज़े की बात मेरे से बड़ा भाई है उसको भी साथ सेम इशू हुआ हम दोनों इतना अच्छा क्यों भाई का चलो इतना मसला था भाई ने कर लिया शादी मेरी तो थी हम मुझे अपना ज़्यादा मसला था और मज़े की बात हो मैंने शायद इतनी कभी दुआएं ना मांगी हो उससे मैंने मांगी है कि अल्लाह जी अभी कोविड ख़त्म हो जाए फिर करा दे कोविड को मसला नहीं है लेकिन शादी आराम से हो जाए बस तो ये बड़ा एक देखे अल्लाह का शुक्र है कि वो जब मतलब जब टेस्ट कराया तो कोविड निकला नहीं बड़ा सुकून में मैं उसके बाद अच्छा, जो मेरे जो टेस्ट था, मेरा निकला था। हाँ। 6 दिन बाद कोविड यार की जा रही होती थी अच्छा अच्छा मजे के बाद सारे सिम्टम्स कोविड वाले कोविड नहीं है और असल मसला ये था कि मेरे पूरे घर में ना मैं एक वाहिद बंदा था जो रोज बाहर जा रहा था क्योंकि मेरी शॉप थी शॉप को देखना वाले साहब को तो मैंने कम्प्लीटली बेड रेस्ट पे रख दिया था कि आप रहें यहाँ पे घर पे मैं जा रहा हूँ शॉप पे ठीक है तो मैं इन चीज़ों में वजह से था तो सबको डर यही था कि फौजी को ना हो जाए मजे में मुझे छोड़ के सबको हो गया था
अच्छा सबको हो गया था, मुझे फिर जब मेरी शादी थी तब मुझे हुआ, और उस टाइम पे कोरोना नीचे आ चुका था काफी, उस टाइम काफी पीक से नीचे आ चुका था। खैर ये तो एक कोविड को लेके बैठे तो बहुत लंबी डिबेट है। बैक टू द हाँ जी, तो खैर वो मुझे उस टाइम में खास तौर पे ना एक तो इस चीज का प्रेशर भी होता था कि यार कोविड है बाहर नहीं जाना, अच्छा क्योंकि उन दिनों हमारे जैम्स काफी चल रहे होते थे, अच्छा और साथ पढ़ाई भी होती थी तो मैंने काम भी करना होता था, फिर मैंने घर से बाहर भी नहीं जाना लेकिन जैम भी करना है, तो एक वो घर से ही भी प्रेशर था कि बाहर नहीं जाना। ऑनलाइन कॉन्सर्ट ही होते यार, और दूसरा ये सॉरी ऑनलाइन कॉन्सर्ट ही होते, ऑनलाइन भी हमने किया था। हाँ किया था यार, मुझे याद है। तो खैर वो भी था, फिर पढ़ाई का प्रेशर अच्छा खासा वर्कलोड होता था। लेकिन एक बात ये थी, मैं लुबियन भाई को इस चीज़ का क्रेडिट दूंगा कि उन्होंने मुझे पुश किया अच्छा टू डू थिंग्स, और आई थिंक अगर वो ना करते तो मैं प्रोबेबली छोड़ छाड़ के बैठा होता। अच्छा जबरदस्त, मतलब आपकी बैकबोन ये था क्वाइट ऑनेस्टली। हाँ क्योंकि वो एक मुझे भी होता था कि यार मैं आई डोंट वांट टू डिसअपॉइंट पीपल इन माय बैंड, ओके यार मैं आ नहीं सक रहा किसी चीज से, तो एक वो भी था, और प्लस मुझे ये भी था कि यार अब मैंने अभी ये एक शौक है ठीक है तो अब करना ही है कुछ चीजों के लिए। आई थिंक कुछ चीजें एक तो होती सिर्फ आपके, उन कुछ चीजों की दूसरों को समझ नहीं आती लेकिन आपके लिए बहुत बड़ी चीज होती है, बड़ी चीजें होती हैं, और आपको बाय हुक और बाय क्रूक उन चीजों के लिए स्टैंड लेना पड़ता है। ऐसा ही है, ऐसा ही है। कुछ लोग ऑफ कोर्स फैमिली के सामने आप बहुत सीना तान के नहीं खड़े हो सकते कि मैंने करना है, लेकिन एक बड़े तरीके से कन्विंस करना पड़ता है कि यार आई वांट टू डू इट। सबसे बड़ा तरीका डिटाई है, डीड बन जाओ करते हाँ वैसे एक चीज़ है, हाँ करो एक भी चीज़ देखी है शायद आप एग्री करेंगे कि जितने ढीट बनते हैं ना बड़े कामयाब हो जाते हैं यार। हाँ ये एक बड़ा अच्छा पर्सनैलिटी ट्रेट है। हाँ लेकिन वो माइंड भी फैक्टर हमारे अंदर है नहीं कि हम ढीट बन नहीं सकते, और वो कहते हैं अच्छा जी सर जी जो आपने कह दिया हम आपके तापे है, बस वो असल में ये भी बात है ना, इफ यू आर एग्रीएबल पीपल वॉक ऑल ओवर यू। अच्छा डिसएग्रीएबल होना, अच्छा फ्यूचर प्लान्स क्या आप लोगों के, मतलब कि फ्यूचर में आप तो अभी एज अ फ्रीलांसर ही काम करेंगे या कोई है कि यार नहीं बैंड में वापस जाना है या नहीं है मैं तो कोई मेरे एंड से तो कोई सीन नहीं है। अराउंड 14 साल हो गए आपको बैंड के साथ? बैंड चला लिए जितने चलाए थे, और ठीक मतलब व्हाटएवर इट वाज वेरी फन, मतलब मजा आया एंजॉय किया, बट अब सोलो ही कम्स अ टाइम क्या कहते हैं, क्योंकि सोलो में वही मेरी बात की सोलो में ना आपको एक्सपीरियंस डिफरेंट मिलते हैं, आप डिफरेंट किस्म का म्यूजिक बजाते हो, आप एक चीज पे स्टिक ऑन नहीं होते, आप नए लोगों से मिलते हो, आपकी अपनी इंडिविजुअल कैपेसिटी के ऊपर काम हो रहा होता है, सही है, पीपल गेट टू नो यू मोर, आप इंडस्ट्री में ज्यादा फैले होते हो। हाँ फिर हु नोस कि कल को कोई और अच्छा आर्टिस्ट या बड़ा आर्टिस्ट आपको उठा ले, बहुत सी चीजों पे ना रिस्ट्रिक्ट होकर रह जाते हो, यू हैव टू टेक केयर ऑफ ऑल द पीपल जो कि आपके साथ चल रहे होते हैं, उनको छोड़ के नहीं जा सकते। अगर मैं इंडिविजुअल भी काम कर रहा हूँ बैंड में भी हूँ, कल को अगर इंडिविजुअल की कॉल आ जाएगी जी शो है और उसी दिन बैंड का शो आ जाए, क्या करोगे? फंस गए और दोनों अलग अलग जगह पे हो। एग्जैक्टली, सो इट्स बेटर कि यार आप मतलब किसी खच में ना पड़ो, किसी अपने आप को तंग मत करो किसी चीज में भी, अगलों को भी ना तंग करो, और अपना काम करते रहो। एक चीज कर ली है ना अच्छे तरीके से की है, आप सेटिस्फाई हो छोड़ो, ठीक हो गया, और मेरे ख्याल से किसी चीज को जबरदस्ती पुश करके लेके चलने से ना बेहतर है। पहले क्यों डर, आपकी क्या राय है? आई गेस मैं फ्यूचर उस तरह से कहीं मतलब आई वुड लाइक टू सी वेयर इट गोज, ओके आई ट्राई नॉट टू मेक अ पिक्चर अपने जहन में, और उसकी वजह ये है बिकॉज टाइम्स बहुत अनसर्टेन है म्यूजिक को लेके, और उस वजह से क्योंकि हमारा लिसनर बहुत बहुत चूजी हो गया। हाँ बहुत ज़्यादा चूजी है, ऐसा ही है, और म्यूजिक आजकल इज जस्ट अ बैकग्राउंड थिंग, मतलब आप कुछ करते हुए म्यूजिक लगा लो। नहीं वैसे एक बात भी है ना, हमारा जो म्यूजिक भी है अब तो पहले एक जो से अर्लीस्ट 20s का दौर था ना उसमें हम लोग ये कहते थे चलो यार एक 5-6 सिंगर्स ही हैं या बहुत हद की 7-8 से 10-12 सिंगर्स हैं इन्हीं के गाने थे। अब बफे लगा हुआ है कि जी अच्छा वो दाल मखनी है कोई 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 कढ़ाई है, मतलब इस तरह की चीज़ें अब है, अब काफ़ी ज़्यादा आगे में और बड़ा बड़े रेडली अवेलेबल है, मतलब हाँ जी अब एक कुछ पड़ा हुआ है, सही है। लेकिन हाँ एक चीज़ है कि मैं आई एम स्टिल ट्राइंग टू फाइंड व्हाट म्यूजिक मेरे लिए म्यूजिक क्या है। अच्छा और आई थिंक ये एक लाइफ लॉन्ग जर्नी, देखो मैं अच्छा तो वही कर रहा हूँ
अच्छा इस बात से एक बात है, सुना है कि आप दोनों भी किसी प्रोजेक्ट पे काम करें, मतलब के साथ मिलके, मतलब नॉट एज इंडिविजुअली, अपने अपने नाम से पेट प्रोजेक्ट है। अच्छा, उसमें हम लोग बेसिकली ये करते हैं कि अब हम दोनों को इंस्ट्रूमेंटल हैवी म्यूजिक का, हैवी प्रोग्रेसिव म्यूजिक का बहुत शौक है। अच्छा, और वो कभी वो इस तरह की म्यूजिक है जो हम किसी भी बैंड सेटिंग में बजाने का नहीं बजा, एक तो रीजन बीइंग दैट वो भी ठीक है, और हम लोग हर कुछ अरसे बाद वी कंपोज अ ट्रैक एंड इंस्ट्रूमेंटल, वी रिकॉर्ड इट, शूट करते हैं और वी अपलोड इट, और हर ट्रैक के पीछे हर ट्रैक के पीछे कोई ना कोई थॉट प्रोसेस होता है, okay. कोई ना कोई कॉन्सेप्ट होता है, कोई फिलोसॉफिकल कॉन्सेप्ट भी हो सकता है। जैसे अभी रिसेंटली जो हमने निकाला था एक ट्रैक कॉमेडिक एंटरप्राइज के नाम से, okay. उसके पीछे बस जस्ट ब्रीफली एक्सप्लेन इट के द ग्रेट डिक्टेटर एक मूवी थी। अच्छा, उसमें चार्ली चैपलिन की एक स्पीच थी, बड़ी आइकॉनिक स्पीच है वो, ओके, एंड आई वुड एनकरेज एवरीवन टू गो एंड लिसन टू इट। और उसने बेसिकली इंसान के बारे में बात इस तरह से की है कि व्हाट ह्यूमैनिटी इज डूइंग रॉन्ग, ह्यूमैनिटी गलत क्या कर रही है, एंड वेयर ह्यूमैनिटी वेंट रॉन्ग। बहुत साल पहले उससे बात की थी और बहुत अच्छा पहले बात, अब वो पूरी हो रही है, अब भी जाके वो बातें वैलिड है। तो वो आई केम अक्रॉस दैट स्पीच और फिर मैंने अमीन में से डिस्कस किया, हमने कहा ऐसा कुछ करना चाहिए। ठीक है, तो इसमें कोई सिंगर वगैरह भी है, जस्ट म्यूजिक है? मैं नहीं, मैं सिर्फ ये बताना चाह रहा हूँ कि उस गाने, उस इंस्ट्रूमेंटल ट्रैक की इंस्पिरेशन वॉज दैट स्पीच बेसिकली। What we are trying to do in that instrumental is explain the speech. Okay. मतलब एक किसी भी thought को लेके आप कुछ करते हैं। बहुत अच्छा मतलब concept है, मतलब हम लोग मतलब बेफुफी तरह नहीं बजा रहे होते हैं। सब चीजें पहले complete compose ये बता। मतलब एक proper homework करके फिर। Homework करके उसके ऊपर काम करके उसके ऊपर live music, ये मैं बता दूँ कि हम live drums, live guitar सब कुछ होते हैं, हम program computer पे drums नहीं होते। Okay. ठीक है। तो ये मतलब एक चीज मैं भी picture clear कर दूँ। ठीक है। And उस पर ठीक ठाक हम काम करते हैं, ये नहीं होता कि एक दिन बन गए तो अगले दिन जाके record के लिए, it takes us 3-4 straight months. पिछला जो हमारा था उस पर 8 महीने लगे थे। 8 महीने लगे थे जस्ट टू कंपोज। कितने मिनट का ट्रैक होता है? 4-5 मिनट। अच्छा, और अभी से शोज भी चल रहे होते हैं, हम लोगों ने करना है उसको रिकॉर्ड, लेकिन इस वीक नेक्स्ट वीक हमारे टोटल पे शोज चल रहे हैं। ओके, सो एक और फायदा इंडिविजुअल प्ले करने का। अभी हम लोग ये सोचते हैं हम कब इसको रिकॉर्ड करेंगे आते हुए यहीं पर क्या करना है, लेकिन अभी टाइम ढूंढने के हमारे बीच में जैम्स भी चल रहे होते हैं। ठीक है, आर्टिस्ट हम प्ले कर रहे होते हैं, फिर शोज पे अलग टाइम होते हैं, शो के अगले दिन वैसे ही दिल नहीं करता बंदे का, इतना कुछ कर कुछ ट्रेड ऑफ होता है। लेकिन प्रोजेक्ट चलाने का मेन मकसद हम दोनों का ये था कि हम लोग की जो अपनी कैपेबिलिटीज और कैपेसिटी है ना, वो बाहर निकाले, हम सामने निकाल के रखें, एंड अगेन क्योंकि हम इस तरह का म्यूजिक बजा नहीं सकते। ठीक है, और मेरे ख्याल से कि बजाना वैसे भी नहीं चाहिए क्योंकि आवाम एक्सेप्ट नहीं करती। हां, आवाम एक्सेप्ट नहीं करती क्योंकि आवाम को मैंने ये देखा कि रॉक की तरफ इतना नहीं रुझान नहीं है, सारे लव सॉन्ग्स की तरफ ज्यादा आते हैं लोग, और आजकल सारे चल ही लव सॉन्ग्स रहे हैं। ऐसा ही है। अच्छा मुबीन भाई, मुझे बताएं आपकी फर्स्ट अपीयरेंस कब हुई थी, प्रॉपर फर्स्ट अपीयरेंस? घर वालों के सामने या कोई भी लाइव, अगर इवेंट, लाइव इवेंट फर्स्ट आपने कौन सा किया था? मेरा बैक इन 2007 एक इवेंट हुआ था, बैटल ऑफ द बैंड्स, जिसमें बहुत बड़े बड़े बैंड्स थे। अच्छा, और मेरा भी बैंड था, साथ था उस बैंड में, साथ। अच्छा, साथ कुरैशी। साथ कुरैशी। सो अच्छा, हम लोग स्टेज पे चढ़े, फितरत नाम था बैंड का, स्टेज पे चढ़े, तीन इंडस्ट्री के बड़े नाम, I won't take the names, judges में थे। अच्छा। And वो बैठे हैं और हमने गाना शुरू किया था, गाने के मिड में एक वाइट कलर का मुझे छोटा सा झंडा लहराया था, मेरे पेरेंट्स भी थे उसके अंदर। अच्छा, ऑडियंस भी बैठे हुए थे आपके पेरेंट्स? हाँ, बल्कि मेरे मामू भी थे। अच्छा, तीन बंदे। और सो उन्होंने कहा जी कि आप लोग जो है ना ये मिड में रोके, उसने जज ने बोला नेशनल लाइव आर्ट लाइब्रेरी थी इस्लामाबाद में, वहाँ पे शो था, काफी बंदा था। मतलब सही टिका के मुंह पे बेइज्जती मारी थी। सॉरी को बस ले इनके ये चलते रहते। अच्छा अच्छा, तुम्हारे तो सही टिका के मुंह पे चपेड़ मारी थी उसने। चपेड़ तो वैसे हमने पड़ी है, पड़ी है। हम लोगों को उन्होंने कहा जी उतर जाए, चपेड़ नहीं पड़ी। लेकिन अब इस चीज के ना दो मतलब है। ठीक है, अगर हम सीरियसली देखें, या तो मैं म्यूजिक छोड़ देता हाँ। क्योंकि मेरे पेरेंट्स भी थे, या मैं इसे कंटिन्यू करता रहता।
लेकिन मैंने कंटिन्यू किया, कोई ग्रज रख के नहीं किसी के साथ, ऐसा कंटिन्यू किया मैंने कि अपने अर्ली डेज में जो जजेस बैठे हुए थे हमने सेम स्टेज भी शेयर किया, मतलब वो एक और बैंड के साथ बजा रहे थे, हम मिले, आई नेवर मेंशन्ड कि मैं कौन हूँ, मेरे साथ क्या हुआ था, इन अ वेरी गुड वे, टिल डेट हम अभी भी मिलते हैं, ओके, मगर मैं मेंशन नहीं करता कि मैं कौन था, शायद हम लोगों ने याद हो, लेकिन कुछ मेमोरीज याद आती है ना, आपकी क्या थी पहली मेमोरी, पहली अपीयरेंस, पहली अपीयरेंस ऑन स्टेज, पहली स्टेज अपीयरेंस, उनका घर की दीवार ने एक ही थी, ठीक है, तहावर के घर की और इनके घर की, बाप क्या के तहावर ही बोले, तहावर भाई जो भी गाने गाता था ना बस घर में बजा रहा था, और मैं बहुत अच्छे से गाता था, तो खैर ये एक अच्छा वो आदर असलम साहब, ये इसके पेरेंट्स हमारे सामने थी, लेकिन मुझे पता नहीं था कि ये मेरे पेरेंट्स हैं, मेरी फर्स्ट उस तरह वाली पेरेंट्स तो इस तरह से थी कि सेंट मेरीज में थे हम लोग, अच्छा आई गेस क्लास 3 में था मैं तो, और मैं उस टाइम गाता होता था, अच्छा छोटा था तो गाने का और गिटार बजाने का शौक था बचपन में, तब तक गिटार आ चुका था घर पे, एक्यूस्टिक गिटार तब तक आ चुका था, एग्जैक्ट, ओके, तो अब सीन ये हुआ था कि कोई स्पोर्ट्स डे था, ठीक है, स्पोर्ट्स इवेंट था, उसमें मैंने पार्टिसिपेट भी किया हुआ था, और फिर मैंने कहा कि जी मैंने ना गाना भी गाना है टीचर्स को, और टीचर ने भी बड़ा मुझे पंप किया, यस बच्चे सीन और तू कर देगा तू ही है, मैंने किया ये कि जी गाना आपके लिए तो नहीं बना, तू ही गाना आपके लिए तो नहीं बना, मुझे ये लगता है तो क्रिस डॉटरी का एक गाना था, अच्छा मैंने ना उसकी सही हफ्ता डेढ़ लगा के प्रैक्टिस की, घर वालों को भी सुनाया कि मैं ये करने जा रहा हूँ, ठीक है जी, और मुझे याद है कि अच्छा अब उस परफॉर्मेंस का सीन भी ना सेटअप भी बहुत फनी था, इस तरह से था सामने एक ग्राउंड है, ठीक है, और ग्राउंड जहाँ से शुरू हो रहा है ना वहां पे स्टेज लगा हुआ, ठीक है, और स्टेज की लेफ्ट साइड पे ऑडियंस बैठी हुई है, और मैं सामने देख रहा हूँ जहाँ खाली ग्राउंड है, मतलब समझ नहीं आई, मतलब आप ये खड़े हुए और सामने खाली ग्राउंड है, और ऑडियंस इधर है क्योंकि ऑडियंस ने भी ग्राउंड में देखना था ना, ग्राउंड में इवेंट हो रहा था, अच्छा, और स्टेज उन्होंने शुरू पता नहीं क्या किया था, उन्होंने स्टेज भी उन्होंने शुरू में लगाया हुआ था, और मैं मेरा मुंह भी ग्राउंड की तरफ था, ओके, और क्राउड इधर बैठा था, ठीक है, और उसमें आंटी समझ गए ना, निचला ग्राउंड से, ठीक है पहुंच गए, अब मुझे ना परफॉर्मेंस से दो एक दिन पहले टीचर ने कहा कि बेटा आपने जो गाना गाना है ना वो हमें एक सीडी में राइट करके दे दो, अच्छा मैंने कहा ठीक है, हो सकता है उन्होंने सुनना हो अपने, मुझे नहीं पता क्यों मांग, मुझे नहीं समझ आई क्यों मांग, जब मैं स्टेज पे चढ़ा ना गिटार शार पहन के बड़ा सीन, मैंने कहा अच्छा चलो ठीक है कोई नहीं, क्राउड इधर बैठा हुआ है मैं ठीक है तो पीछे से ना स्पीकर्स में से एकदम से मुझे गाना प्ले होने की आवाज आई, अच्छा। वही गाना जो मैंने सीडी पे उनको राइट किया था, अच्छा वो बाद में समझ आई कि उन्होंने मेरे से, फिर मैं खड़ा हुआ बस ऐसे ऐसे कर रहा था, हाँ। और पीछे स्पीकरों पे वो गाना रिकॉर्डेड चल रहा है, और डॉटरी की आवाज़ में वो इसी का तो गाना मैंने डाउनलोड करके MP3 में उनको करके दिया था सीडी में, और वो उन्होंने पीछे से प्ले कर दिया, अच्छा ये तो नहीं, मैं अभी वैसे सही बात है, मैं इमेजिन कर रहा हूँ उस चीज को, आप इधर खड़े ऑडियंस उधर बैठी, अरे जस्ट परफॉर्मिंग, और क्राउड में आंटियां थी सारी, और कह रही बेटा की कार क्या चाहते हो तो अच्छा तो खैर अभी अच्छा मुझे एक चीज बताएं कि आफ्टर फाइव इयर्स 10 इयर्स 20 इयर्स फ्यूचर ऑफ म्यूजिक व्हाट इज इन पाकिस्तान, वैसे तो पाकिस्तान का म्यूजिक बहुत
ओवरऑल चेंज हुआ है. अच्छा. अगर आप आज से 5-6 साल, आप 2 साल पहले भी देखते तो म्यूजिक कुछ और था, आज कुछ और है. रीजन बीइंग द फैक्ट कि आपके यहाँ पे होते ही सारे शोज वगैरह हैं, जैसा कोक हो गया या वेलो साउंड स्टेशन हो गया, यू नो वो जो वो साउंड लेके आते हैं, जो बड़ी कंपनी साउंड लेके आती हैं, वही आप आगे अडॉप्ट करते हो. मेरे हिसाब से कि बहुत अच्छी चीज़ है, म्यूजिक शुड ऑलवेज चेंज हर थोड़े से बाद. एक शिफ्ट आना चाहिए म्यूजिक के अंदर, ताकि काम करने वाले बोर ना हो. There's always something new to follow. कुछ अच्छा करो, जो ही नहीं कि आप हर किसी के फुटस्टेप फॉलो करो. हाँ. उसी चीज के अंदर अपनी कोई गेम बनाओ. अच्छा. और अगर आप स्टबर्न या स्टक अप होना एक ही चीज के अंदर कि जी मैं जो आज से 2010 में कर रहा था वही मैं 2023 में करूंगा, आप नहीं जा सकते आगे. ठीक हो गया. क्योंकि देखो आप म्यूजिक कर रहे हो आवाम के लिए. जब आवाम को भी चीज पसंद नहीं आई तो फिर आप मत निकालो ना, फिर आपने प्रेजेंस क्यों शो कर रहे हो. ऐसा ही है, ऐसा ही है. अगर मैं और तहावर जो काम कर रहे हैं, वी डूइंग इट फॉर अ वेरी लिमिटेड आवाम जो कि हमें सुनेगी इस तरह से. हमने जो बाकी प्ले करने वो हम सोलो आर्टिस्ट का बजा रहे हैं, हम कर रहे हैं. सोलो आर्टिस्ट के पीछे बैठ के मैं ये वो नहीं बजा सकते जो हम इंडिविजुअली बजा रहे हैं. तो आपको हमेशा शिफ्ट मिलेगा और मिलना भी चाहिए, तभी कंपटीशन बनेगा, तभी नए लोग आएंगे, तभी आपको अंदाजा होगा आप कितने पानी में खड़े हो. ठीक हो गया. एंड आई पर्सनली बिलीव के म्यूजिक अच्छी बात है. हुँ. जो हर साल चेंज होता है, हर साल नया कंपटीशन आता है. अच्छा, आप कॉन्सर्ट्स पे तो जाते ही होंगे. ठीक है. जब आप परफॉर्म नहीं कर रहे होते, जब आप परफॉर्म नहीं कर रहे होते तो जाहिर है ड्रमर सामने एक परफॉर्म कर रहा था, उसकी खामियां नजर आती हैं या उसे कहते हैं नहीं यार ये अच्छी, ये से एक मजेदार चीज बजाइए. यार जितने हम बदतमीज किस्म के लोग हैं, हम तो बहुत कुछ कर रहे हैं. यहाँ पे कहूँगे नहीं, हम बिल्कुल नहीं, हम इस बारे में हम बिल्कुल, हम तो कान बांध करके साइड रहते हैं. हम तो उस तरफ देख रहे हैं. आज की ना, आज के पॉडकास्ट में ना दो टॉपिक बहुत खास हैं. पहला हमजा मुगल, दूसरा सेंट मैरीज. हमजा मुझे वैसे भी आया कि तो वैसे क्या मुझे लगता है कि लाइव म्यूजिक वापस आएगा. अच्छा. मुझे लगता है रॉक म्यूजिक भी वापस आएगा. ठीक है. नॉट दैट आई हैव, आई विल मेक इट क्लियर, आई डोंट हैव एनीथिंग अगेंस्ट इलेक्ट्रॉनिक म्यूजिक. लोग बहुत अच्छा अच्छा इलेक्ट्रॉनिक म्यूजिक प्रोड्यूस कर रहे हैं, मैं खुद सुनता हूँ. और लेकिन शर्त यह है कि आपने अच्छी तरीके से प्रोड्यूस किया हो. अच्छा. क्योंकि इट्स इट टेक्स अ लॉट ऑफ स्किल टू मेक इलेक्ट्रॉनिक म्यूजिक एज वेल. लेकिन रिसेंट जो ट्रेंड मैंने ऑब्जर्व किया है वो ये है कि पाकिस्तान में एटलीस्ट इलेक्ट्रॉनिक म्यूजिक का, एक तो पहली बात है, इतना सीन नहीं है जी. और जो लोग करते भी हैं वो कुछ लोग हैं, मैं सबका नहीं कहूँगा, कुछ लोग हैं जो के स्टेज पे जाते हैं इन फ्रंट ऑफ पीपल और पीछे उन्होंने सिर्फ ट्रैक लगाया होता है और वो बस आगे एक्टिंग कर रहे होते हैं. एग्जैक्टली, एक्टिंग कर रहे होते हैं. वैसे आप की ज्यादा क्या पसंद करते हो कि यार रिकॉर्डिंग वर्जंस और लाइव? आई थिंक बोथ. मैं चाहता हूँ कि मेरा दोनों में इतनी कमांड हो कि मैं, मुझे दोनों में कोई मसला ना हो. अच्छा. मतलब नहीं, क्या नाम, जो एक आपको थोड़ी लिबर्टी मिलती है कि यार अच्छा मैं ये भी कर सकता हूँ वो भी कर सकता हूँ, वो रिकॉर्डिंग में मिलती है. रिकॉर्डिंग में, क्योंकि मेरे पास एक खैर इस चीज़ का एक बहुत बड़ा फायदा, मैं एक छोटा सा एक वो रखा हुआ अपने पास. और हाँ, वो से रिकॉर्डिंग में तो मैं. अच्छा. तो मैं अपने लगा रहता हूँ एक्सपेरिमेंट. मैंने भी ड्रम्स की कुछ चीजें जो सीखे रिकॉर्ड करनी वो तावर से और हमजा से. हमजा से हम दोनों ने सीखी है. हां, हमजा इज गुरु. हमजा इज हम बेचर. हां, वो बेचर. अच्छा. और आपने आपने कहाँ से सीखी? मतलब कि आपको क्या पसंद है ज़्यादा, लाइव रिकॉर्डिंग और एयरग्रेड? जब मैं अगर अपने आप को देखूँ तो आई एम यू नो लाइव प्लेयर. मतलब मैं कॉन्सर्ट्स पे जाना, मतलब मेरी अर्ज एक नेसेसिटी है. ठीक है. स्टेज पे जाके बजाना. ठीक है. आई लव प्लेइंग ट्रैक्स, रिकॉर्डिंग करना, क्योंकि हर किसी को पसंद होता है कि आपका काम लोग सुने. हाँ जी. लेकिन मुझे हमेशा होता है कि लोग मुझे लाइव सुने. ओके. क्योंकि लाइफ के लाइफ में वही आपको लिबर्टी थोड़ी ज्यादा मिल जाती है. लिबर्टी भी ज्यादा, लिबर्टी नहीं कहना चाहिए, बस हर किसी का अपना माइंड होता है. जैसे देखिए लाइव में आप खुल के और बहुत कुछ बजा सकते हो. लेकिन ये है कि रिकॉर्डिंग करने से आप टाइम के पक्के होते हो. हाँ. और बहुत चीजें होती हैं, आपके दिमाग चल रहा होता है. लेकिन मैं किसी को भी ओवर रेट नहीं करूंगा जी, वो बहुत अच्छा लाइव प्ले करना, रिकॉर्डिंग करना चाहिए. दोनों चीजें करनी चाहिए, दोनों चीजें आनी चाहिए. एक चीज में आप मास्टर ना करो, दोनों चीजें मैं करूँ. और तो सॉरी आपकी बात काट रहा हूँ, मुझे एक बात बताएं कि लाइव जब आप प्ले कर रहे होते हैं, अब फॉर एग्जांपल आप किसी ऐसे बड़े स्टार के साथ परफॉर्म कर रहे हैं, ठीक है,
उनका आपको पता है म्यूज़िक एक तरह का ही होता है ज़्यादातर, ठीक है, आप उसमें वेरिएशन डाल सकते हैं, डाल सकते हैं। अब देखिए मैं बता, अब देखिए फॉर एग्जांपल किसी, अगर मैं फॉर एग्जांपल कोई परफॉर्म कर रहा है, ठीक है, वो कहता है यार नहीं भाई मेरे टाइप का म्यूज़िक रखना और कुछ तुमने नहीं डालना अपनी तरफ से, जस्ट यू प्ले। मैं जिस तरह काफ़ी लोगों से प्ले कर, उसमें से एक सवार है और एक दो और भी लोग हैं जो कि आपको लिबर्टी देते हैं कि आपने जो करना ना कर लो। अच्छा, इजी सीन है, मसला नहीं, ठीक है। कुछ लोग ऐसे खुरवा के साथ बजाता हूँ उनके, वो कहते हैं कि यू नो जो मैं क्या है ना करो, येट अगेन उनका एक्सपीरियंस ज़्यादा है, है। और मैं कभी कोई डाउट नहीं करता क्योंकि जब स्टेज से बजा के उतरते हैं तो आपको समझ आती है, अच्छा इसलिए उन्हें रोका था यहाँ पे। मैं ये नहीं कह रहा कि फलाना बहुत अच्छा है और इनको नहीं पता इसलिए हमें कहते हैं, ये आर्टिस्ट की अपनी मर्जी होती है, ठीक है, कि आप क्या करना चाह रहे हो, कैसे बजाना चाह रहे हो। तो मेरे हिसाब से कि लिबर्टी मिलनी चाहिए, मज़ा आता है, लेकिन हर वक्त की भी लिबर्टी नहीं मिलनी चाहिए ना, क्योंकि फिर आप बहुत ओवरडू कर जाते हो, ओवरडू कर जाते हो, वो नहीं अच्छा लगता। हां, आपकी तो लाइव परफॉर्मेंस मैंने देखी भी है, बताओ नेक्स्ट लेवल, ये अलग जोन में होता है। हाँ, अलग जोन में होता है। बाकी माशर वैसे एक चीज़ है जो लाइफ में आप ज़्यादा ऑडियंस से कनेक्ट कर सकते हो, और इवन एक चीज़ मैंने और देखी है कि लाइफ में ऑडियंस ज़्यादा आपके साथ खुश रहती है। फॉर एग्जांपल जैसे कुछ ऐसे पार्ट्स आते हैं जहाँ पे इलेक्ट्रिक गिटार या कोई गिटारिस्ट है वो अपने एक अलहदा धुन बजाता है, वो एक अच्छा वो उसी पर ही ज़्यादा खुशी होती है। कोई ड्रमर एकदम कोई प्ले करता है और एक करता रहता है फिर लोग उधर डाइवर्ट होते हैं, फिर कोई सिंगर इस तरह, मतलब ये मैं कहता हूँ लाइफ में ये ज़्यादा मज़ा आता है। डायनामिक्स है, डायनामिक्स बहुत ज़्यादा हो जाती है, और आई गेस लाइव जो ऑडियंस के लिए एक एक्सपीरियंस होता है ना, जो एक एक्सपीरियंस जो कि एक बैंड देता है, चाहे वो किसी सोलो आर्टिस्ट का बैंड हो या एक वैसे बैंड हो, वो ऑडियंस को बड़ा मैटर करता है, बिकॉज़ एक अकेला बंदा स्टेज पे चढ़ा वो तो कुछ भी नहीं कर सकता, कोई दैट इज नॉट एक्सपीरियंस। एक्सपीरियंस सिर्फ और सिर्फ आपको लाइव एक्ट में एक बैंड दे सकता है। ओके, लास्ट सवाल बिफोर एंडिंग दिस, अपने आप को आप क्या ड्रीम करते हो कि इस आर्टिस्ट के साथ मैंने बजाना है एक दफा लाइव में? यार ड्रीम तो बंदा बहुत कुछ करता है, लेकिन मैंने सच आई यूज टू जब मैं छोटा था या मैं टीन्स में था, बट मुझे ये मतलब फील होता है कि यू विल गेट व्हाट यू डिजर्व इफ यू आर ऑनेस्ट विद द थिंग यू आर डूइंग, ठीक है, और अगर आप मतलब अपनी चीज में हैंकी पैंकी कर रहे हो ना या आप डंडी मार रहे हो तो आप एक स्टेप भी ऊपर नहीं चढ़ सकते, ठीक है। जिन लोगों के साथ हम बजा रहे हैं ना, चाहे जो भी है, मैं कभी किसी को नापता तोलता नहीं, ये बड़ा आर्टिस्ट है छोटा आर्टिस्ट है, हमजा तो मैं कभी भी किसी भी आर्टिस्ट को ना नापता तोलता नहीं हूँ। अच्छा, जो बंदा इस हम बजा रहे हैं प्रॉब्ली इट्स अ ड्रीम फॉर अनदर आर्टिस्ट या अनदर म्यूजिशियन, क्या I want to play with him. तो मुझे लगता है कि हमें शुक्र करना चाहिए जिस तरह बजा रहे हैं। This is something I actually never thought that I'll be playing for 4-5 people एक गो में। ठीक हो। कभी नहीं। मुझे नहीं कभी लगता था कि मेरे हर वीकेंड शोज आ रहे होंगे यार। मुझे पता होगा जी मैं अगले मंथ तक बुक हूँ इस डेट्स को। अच्छा। मतलब मैं आज ताहवर को इसके शोज ही बताता था इस मंथ के एंड तक कितने बार। अच्छा माशाल्लाह माशाल्लाह वेरी गुड। ताहवर भाई आप? I think मैं then again अल्लाह का शुक्र है जहाँ पे जो पेस चल रही है, ठीक है, बहुत अच्छी है, एंड आई एम सैटिस्फाइड विद वेयर आई एम एट राइट नाउ, एंड आई एम सैटिस्फाइड विद द पीपल दैट आई एम प्लेइंग विद राइट नाउ। ओके, लेकिन पाकिस्तानी अगर आर्टिस्ट्स की बात करें, वैसे तो बाहर के बहुत से बैंड्स हैं जिनके साथ प्ले करना चाहता हूँ, लेकिन अगर मैं पाकिस्तान की बात करूँ तो एक ऐसा वाहिद लाइव एक्ट है जिसको मैं देखता हूँ, मैं कहता हूँ आई वॉन्ट टू शेयर स्टेज विद, कौन सा कुछ चीजें होती है जो वो अपने आर्टिस्ट अपने हिसाब से बड़ी परफेक्ट करता है, लेकिन लोगों को वो चीज मजेदार नहीं लगती, नहीं लगती है, लेकिन लोगों को इतना लाइफ उसने आजकल तो खैर इतना कर नहीं रहा प्ले, लेकिन मैंने उसको एक ही दफा देखा है और I was blown away.
ओके बहुत अलग परफॉर्मेंस थी. अच्छा तो थैंक यू सो वेरी मच सर, आप दोनों के थैंक यू आप दोनों आए माशाल्लाह, बड़ा मजा आया मुझे तो, मजा आ रहा है बड़ा बात करते हुए, श्योर ऑडियंस को भी पसंद आएगा. तो थैंक यू सो वेरी मच फॉर कमिंग अगेन, और इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम पे हमजा को साथ लेके आएगा, उसका जिक्र बहुत हुआ, या तो हमजा आएगा या तो ये बात ना मुझे साथ ने भी बोली थी जब मैंने इनका पेंशन किया था कि यार उससे पूछ रहे बहुत बिजी बंदा है. असल जो बिजी बंदा है ये क्यों बेचता है हमजा ने, इज अ बिजनेसमैन, इज अ बिजनेसमैन बेचता है हमजा, हर बंदे को बेचता है यार. तो हमजा क्या चीज है हमजा मुगल, हाय अल्लाह. वैसे उस बंदे की क्यों लुक कंप्लीटली चेंज हो गई है. अच्छा मैंने जो जो मेरे मन ये चीज चली गई है, बुरी चीज है, पहले अच्छी थी यार. मैंने अभी जब उसको उस वीडियो वीडियो में देखा तब तो मुझे लगा, मैं कहता हूं यार ये वही हमसा जो चश्मा लगा के अस्सलाम वालेकुम सर कैसे हैं सॉरी ये वही हमसा आपकी सक्सेस के पीछे बंदा वही है, हमारी लाइव साउंड की सक्सेस के पीछे बंदा वही हमजा भाई, वेरी गुड इंशाल्लाह. चले थैंक यू सो वेरी मच. तो उम्मीद है आप लोगों को पसंद आई होगी पॉडकास्ट, और थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़.